दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों थायराइड जैसी बीमारी को हल्के में ले लेना लोगों की बहुत बड़ी भूल है। थायराइड की समस्या अधिक दिन तक हो जाने से हमें कई और बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। थायराइड के बढ़ने से हमारे दिल और हमारे शरीर की हड्डियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थायराइड का कार्य हमारे शरीर के दूसरे अंगों को ठीक तरह से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले में मौजूद होती है। जब थायराइड के हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं या फिर काफ़ी कम मात्रा में बनते हैं तब ये खतरे की घंटी बन जाती है। आज हम आपको थायराइड के कुछ आसान इलाज बताएंगे जिससे आप हमेशा के लिए थायराइड को अलविदा कह सकेंगे। अदरक का इस्तेमाल। थायराइड जैसी कठिन बीमारियों को ठीक करने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है जो थायराइड को उच्च स्तर पर नहीं जाने देता और थायराइड के कार्य करने की विधि को भी नियंत्रित रखता है। इस तरह से अगर थायराइड को हमेशा के लिए दूर करना है तो अदरक का इस्तेमाल भोजन में ज़रूर करें। गेहूं और ज्वार। ज्वार और गेहूं की मदद से भी थायराइड का इलाज संभव है। गेहूं और ज्वार के इस्तेमाल से थायराइड को काफ़ी कम किया जा सकता है। हो सके तो थायराइड के रोगी रात को पानी में गेहूं या ज्वार फुलाकर रख दें और सुबह उठकर उस पानी को पी जाएं। ऐसा करने से थायराइड की बीमारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। काली मिर्च। थायराइड को कम करने में काली मिर्च का अहम योगदान हो सकता है। काली मिर्च का किसी भी तरह का सेवन थायराइड की उच्च मात्रा को कम करने के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा के इस्तेमाल से थायराइड की बीमारी को काफ़ी कम किया जा सकता है। रात को सोने से पहले गाय के शुद्ध दूध को हल्का गर्म करके एक चम्मच अश्वगंधा मिलाकर पी जाएं। कुछ दिनों में आपको फर्क नज़र आएगा कि थायराइड की मात्रा ज़रूरत के अनुसार हो गई है। हल्दी और दूध। हल्दी और दूध का मिश्रण थायराइड की समस्या को दूर करने में लाभदायक साबित होता है। गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने से थायराइड को कम किया जा सकता है। अगर आपको हल्दी के साथ दूध नहीं पीना तो आप केवल हल्दी भूनकर भी खा सकते हैं। तुलसी के साथ एलोवेरा। तुलसी और एलोवेरा के रस का मिश्रण थायराइड की समस्या को काफ़ी कम कर सकता है। रोजाना 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और पी जाएं। इससे जल्द ही थायराइड की मात्रा कम हो जाएगी। बादाम और अखरोट का सेवन। बादाम और अखरोट में पाया जाने वाला तत्व सेलेनियम थायराइड की मात्रा को बराबर रखता है। इसके अलावा अगर थायराइड की समस्या के कारण गले में सूजन हो गई है तो बादाम और अखरोट का सेवन करना चाहिए। अखरोट और बादाम के सेवन से सूजन के साथ दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में थायराइड से लड़ने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे कारगर हो सकते हैं हमने वो आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ, और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार के और भी स्वास्थ्यवर्धक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और आप उनसे लगातार लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।